स्वागत है मित्र, खुशामदीद। जन्मदिन की शुभकामनाएं मेरे मित्र। इतना विलंब क्यों कर दिया? आज तो हमारा जन्मदिन है। मैं आपके लिए भेंट ढूंढ रहा था। भेंट? मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे पास तो हर एक चीज है, तुम मुझे क्या दोगे? मित्र, मैं आपके लिए सूरज चांद धरती के किसी भी कोने तक जा सकता हूँ। एक बार आप आज्ञा तो करिए, आपको चाहिए क्या? मित्र, ये विश्वास नहीं अंधविश्वास है, इसे घमंड कहते हैं। मेरा विश्वास है। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो मुझे ऐसी अंगूठी लाके दो जो सुख को दुख में बदल दे, दुख को सुख में बदल दे, अमीर के चेहरे पे बल ला दे, गरीब को खुशी दे दे। अगर ऐसी अंगूठी भेंट कर सकते हो तो मुझे करके दिखाओ। नहीं मित्र, ये मेरा विश्वास है, घमंड नहीं। मैं उसी दिन वापस आऊंगा जिस दिन मेरे हाथ में आपकी अंगूठी होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। इजाजत है। लगता है ये तो पूरा पागल हो गया है। ऐसी तो कोई अंगूठी नहीं है, ये तो मेरी एक बस एक कल्पना थी, बस उसके घमंड को तोड़ने के लिए। आएगा तो उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। पूरा एक वर्ष बीत गया, मेरे मित्र का कुछ आता पता नहीं। ये सब मेरी गलती का नतीजा है। मैं आज्ञा देता हूं मेरे मित्र शिवाय को जल्द से जल्द मेरे सामने प्रकट किया जाए। एक साल में गुआ है, अंगूठी नहीं मिल रही, किसी चोरी के पास भी नहीं है। हे प्रभु, मेरी मदद कर, मुझे रास्ता दिखा। ये अंगूठी जो दुखी को सुखी कर दे, सुखी को दुखी कर दे, अमीर के बल ला दे और गरीब को सुखी कर दे, ऐसी अंगूठी कहाँ है? मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अमीर को सुखी कर दे, गरीब को खुशी कर दे। नहीं, ये किसी जोहरी के पास नहीं हो सकती। नहीं, नहीं। प्रभु, ये रास्ता दिखाने के केवल साधु के पास ही मिल सकती है। धन्य है प्रभु, मैं अभी जाता हूं। बाबा, मेरी मदद करो। तुम्हारी क्या चिंता है? मुझे ऐसी अंगूठी चाहिए जो सुखी को दुखी कर दे, दुखी को सुखी कर दे, अमीर के चेहरे पे बल ला दे और गरीब को सुखी कर दे। मुझे ऐसी अंगूठी दे दो। जीवन एक चरण है और कुछ भी स्थाई नहीं, न धरती
ना आकाश, ना आग, ना पानी, ना जीवन, ना मृत्यु, ना खुशी, ना गम। आपकी अंगूठी, मैं आपकी बात को सत्य करने के लिए एक अमीर व्यक्ति जो 2 महीने पहले अमीर हुआ और एक गरीब व्यक्ति जिसका घर जल गया उसे मैं साथ लाया हूं। आप खुद ही इस अंगूठी का चमत्कार देखिएगा। सच में मित्र तुम धन्य हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे विश्वास पे संदेह किया। धन्यवाद मित्र, आपकी वजह से मैंने जीवन का एक और रहस्य सुलझा लिया। अगर आप मुझे इस शर्त पे भेजते ना तो मुझे ना पता चलता कि जीवन एक चरण है और कुछ भी स्थाई नहीं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद।